आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्हें अंग्रेजी इतिहास के पिता का शीर्षक मिला है। क्रिस्ट में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 25 मई को संपूर्ण कलीसिया संत बेदा का पर्व मनाती है। संत बेदा का जन्म 673 ईस्वी में हुआ था और बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए जब वे 7 साल के थे तब उन्हें बेनेडिक्टाइन मठ में भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने उस मठ में रहकर 55 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और मठ में रहकर वे हमेशा बाइबल का अध्ययन करते थे और अनेक लेख लिखते थे। उनका जीवन हमेशा से ही पवित्र और निर्मल रहा है। वे एक पुण्यशील व्यक्ति थे और संत बेदा से मिलने अनेक विद्वान आया करते थे। उन्होंने 40 से भी अधिक विषयों पर किताबें लिखी हैं, जैसा कि इतिहास, कविताएं, दर्शन शास्त्र, औषधि विद्या, भौतिक विज्ञान इत्यादि। उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ लेख है जहां पर उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया है। संत बेदा ने इंग्लैंड में ईसाई धर्म के प्रचार के विषय में इस किताब में लिखा है और इस किताब को लिखने के लिए उन्हें अंग्रेजी इतिहास के पिता की उपाधि मिली है। संत बेदा का जीवन हमेशा से ही पवित्र रहा है, इसीलिए उन्हें वेनरेबल के नाम से भी जाना जाता है। संत बेदा दिन रात प्रार्थना करते थे और उनके जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने प्रार्थना में बिताए। उनकी मृत्यु 25 मई 735 ईस्वी में हुई थी और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री का शीर्षक भी मिला है। तो आइए, क्रिस्ट में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत बेदा की मध्यस्थता द्वारा सभी लेखकों और इतिहासकारों के लिए प्रार्थना करें।